हेलो एवरीवन, दिस इज मी दीप्ति शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड, आज मैं लेकर आई हूँ CCS यूनिवर्सिटी मेरठ। तो ये है चौधरी चरण सिंह विश्वविद्यालय मेरठ। तो ये मॉर्निंग का व्लॉग है। तो आप देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के सामने कितने सारे व्हीकल खड़े हैं। तो यहाँ पर लोग मॉर्निंग वॉक के लिए आते हैं, अपने व्हीकल बाहर खड़ा कर देते हैं और फिर अंदर वॉक करते हैं। तो मैं भी गई थी, 4:45 बजे का है ये, और अंधेरा अंधेरा था हो रहा है, सारे में लाइट जली हुई है। और जब मैं वापस आई तो अच्छी खासी रोशनी थी। यूनिवर्सिटी में एंट्री करते ही यहाँ ये 3 प्रतिमाएं हैं, शहीद भगत सिंह जी और राजगुरु और सुखदेव जी की हैं। अब हम बढ़ चुके हैं CCS यूनिवर्सिटी के अंदर। मॉर्निंग का समय है जिस वजह से थोड़ा अंधेरा है, अच्छे से नहीं दिख पा रहा है, लेकिन वापसी में अच्छी खासी रोशनी देखने को मिलेगी। इस समय हम यहाँ देख सकते हैं यहाँ लाइटिंग है और ये मंदिर है एक CCS यूनिवर्सिटी के अंदर, भगवान शिव जी और हनुमान जी का काफ़ी सुंदर मंदिर है। आते समय हम जो टेंपल है उसी के सामने से निकलेंगे तो अच्छे से दर्शन कर पाएंगे। और यहाँ अंधेरा है तो आप देख सकते हैं यहाँ मेरे साथ है मेरी दीदी। तो फ्रेंड, मेरा जो मायका है वो है मेरठ। तो हम लोग समर वैकेशन में मेरठ गए थे, तो हमने मॉर्निंग वॉक स्टार्ट कर दी CCS यूनिवर्सिटी में। हम अपने व्हीकल से आते थे, एक्टिवा से, और बाहर खड़ा करके अंदर वॉक करते थे। तो आप देख सकते हैं ये जो दिख रहा है ये स्टेडियम है, दादा सिंह कुश्ती स्टेडियम है, और इसके बिल्कुल लगा हुआ एक ग्राउंड है, काफ़ी बड़ा सर्कल है जिसमें हम लोग राउंड डेली 1 या 2 राउंड इसके हम लेते थे। काफ़ी बड़ा और काफ़ी टाइम लग जाता था। यहाँ हमें जो सबसे ज़्यादा पसंद आता था वो था एक बहुत ही प्यारा साउंड, जो दुनिया की एक अशांत जिंदगी से अलग हटके कुछ साउंड सुनने को मिलता था। बहुत ही आनंद आता था, बहुत ही अच्छा सुकून जिसे कहते हैं वो मिलता था। तो ये क्या था आप देख सकते हैं, इसमें जो साउंड आ रहा है वो कोयल और जो ये पिकॉक या मोर और कोयल की आवाज़ हमेशा गूंजती रहती थी, और बहुत ही एक अच्छी सी शांति जिसे कहते हैं ना, बहुत ही प्यारी सा सुकून या शांति कह सकते हैं, वो हम लोगों को फील होता था। हम रेगुलर यहाँ पर आते थे, जितने भी दिन हम लोग रहे हमने मॉर्निंग वॉक कंटिन्यू रखी अपनी, और सच में बहुत ही अच्छा लगता था हमें। लेकिन अब हम मिस भी करते हैं क्योंकि हम वापस आ चुके हैं। अब यहाँ हमारा जो है राउंड कंप्लीट हो गया है, तो ये एक गेट था वो एंट्री का था, ये हम बाहर निकले हैं। चाहे तो हम उधर से भी निकल सकते थे, लेकिन मुझे कुछ और भी दिखाना है। ये बहुत बड़ी यूनिवर्सिटी है, केवल मैं उतना ही दिखा रही हूँ जहाँ जहाँ हम वॉक के लिए गए, लेकिन ये बहुत ही ज़्यादा बड़ी और बहुत फैली हुई यूनिवर्सिटी है और बहुत खूबसूरत है। शायद ही इसको कंप्लीट दिखा पाएगा कोई, क्योंकि बहुत ही बड़े एरिए में फैली हुई है, बहुत ही बड़े एरिए में है और बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। मैं एक्सप्लेन नहीं कर सकती हूँ कि जितनी ये ज़्यादा खूबसूरत है। अब हम जा रहे हैं, आप देखें यहाँ एक बहुत ही अच्छा वन है, बहुत ही सुंदर वन है, वहाँ पर भी वॉक किया जाता है। और आप उस वन को देखेंगे तो वास्तव में ऐसा लगता है कि हम यहाँ से निकले ही ना। तो ये वन का गेट है, अब हम उसमें एंट्री कर रहे हैं। अब हम इसका नाम भी दिखाऊंगी मैं कि इस वन का क्या नाम है। अब जो ये ब्लू बोर्ड है इस पर लिखा हुआ है, तो आप देख सकते हैं ये है स्वतंत्र सेनानी वाल्मीकि तपोवन, है ना। तो ये वन है, ये स्टार्ट हो गया है और यहाँ पर वॉक करते हैं। यहाँ पर एक बीचों बीच बहुत बड़ा वन है, बहुत ही मतलब अंदर ही अंदर वन है, और उसके चारों तरफ हम यहाँ वॉक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं इधर साइड में एक वॉल है, उसके किनारे किनारे भी सारे में ट्री लगे हुए हैं, और एक साइड बीचों बीच वन है जहाँ पर मोर वगैरह आपको घूमते हुए भी दिखेंगे और उनका जो साउंड है वो भी सुनने को मिलेगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं सब लोग वॉक भी कर रहे हैं, और जैसे जैसे थोड़ा सा टाइम ज़्यादा होता जाएगा उस टाइम और भी ज़्यादा लोग यहाँ वॉक के लिए आते हैं। हम लोग थोड़ा जल्दी गए थे,
तो हम लोगों को आदत नहीं थी। बहुत बड़ा राउंड है ये, बहुत ही बड़ा राउंड है। हम बोल रहे थे कि पता नहीं कब ख़त्म होगा, लेकिन बहुत ही सुंदर था, अच्छा लग रहा था। आप ये देख सकते हैं ये जो रास्ता जा रहा है, अगर हम थक गए हैं या हम पूरा राउंड लेना नहीं चाहते हैं तो ये हाफ है, मतलब शॉर्टकट मार के हम लोग थोड़ा सा रास्ता अपना शॉर्ट कर सकते हैं। अगर आप लॉन्ग कट ही अपनाएंगे तो सीधे जाएंगे, तो सीधे ही हम लोगों ने जितना भी राउंड काटे सीधे ही काटे, शॉर्टकट कुछ नहीं अपनाया। तो बहुत ही सुंदर है ये, सब लोग यहाँ वॉक करते थे, बहुत ही एक अलग सा सुकून मिलता था आने में। और देखिए वॉल जो दिख रही है इस दीवार से उधर की तरफ है यहाँ की जेल, मेरठ की जेल, वो वाली जो लास्ट में आपको दिख रहा होगा इस दीवार के जस्ट पीछे थोड़ा सा दूरी पे जाकर जेल, जेल है। जेल की बड़ी बड़ी सी दीवारें आपको यहाँ दिखेंगी, तो जेल चुंगी हमारे मेरठ की। और जहाँ मैं बताई थी हाफ, अगर हम उधर से आते तो ये हमारा रास्ता जो है थोड़ा शॉर्ट हो जाता, हम लोग यहाँ पर निकल जाते तो हमारा शॉर्टकट हो जाता, लेकिन हम लॉन्ग कट ही अपना रहे हैं तो हम सीधा सीधा जा रहे हैं। अभी हमारा हाफ हुआ है, हाफ हमें और चलना है, कंप्लीट होने वाला है। चलते जाओ चलते जाओ चलते जाओ। तो ये हमारा हो गया है कंप्लीट राउंड, और अब हम यहाँ से निकलने वाले हैं। बहुत सुंदर वन, आप लोग बताइएगा कि आपको ये कैसा लगा और ये CCS यूनिवर्सिटी भी कैसी लगी है। तो ये वन तो मुझे दिखाना ज़रूरी था, क्योंकि ये CCS यूनिवर्सिटी की सबसे ज़्यादा फेवरेट जो जगह लगती है वो मुझे यही लगती है। ये वन मुझे बहुत ही प्यारा लगता है CCS यूनिवर्सिटी का। मैं जब भी आती हूँ तो हमेशा वॉक करने भी आती हूँ यूनिवर्सिटी में मॉर्निंग टाइम में, और जो ये वन है इसमें भी आती हूँ। यहाँ पर कुछ पेड़ कटे हुए थे तो ये लकड़ियाँ ऐसे इकट्ठी हुई थी, हम इस टॉपिक पर बात कर रहे थे पेड़ क्यों काट दिए हैं। अब हम निकल रहे हैं बाहर, अब आप देख सकते हैं थोड़ा रोशनी हो गई है। तो रोशनी तो पहले भी हो गई थी जिस समय हम उसमें राउंड ले रहे थे उस वाले ग्राउंड में, लेकिन आगे आगे आपको और क्लियर दिखेगा, जहाँ अंधेरा था तो वो भी दिखेगा। हालांकि मैंने उतना नहीं दिखाया है, बस जितना जितना सीधा सीधा रास्ता था केवल मैं वो ही दिखा रही हूँ, लेकिन वास्तव में बहुत सुंदर यूनिवर्सिटी है। मन करता था अगर हम आ रहे हैं तो सारी यूनिवर्सिटी घूमें, लेकिन ये पॉसिबल नहीं था कि मॉर्निंग के टाइम में हम सारी यूनिवर्सिटी घूमें, बस हम उतना ही घूमते थे। और ये है बरगद का पेड़, यहाँ मेरी दीदी तोड़ रही हैं बरगद के पत्ते, क्योंकि हमारे यहाँ आज है बर्मावस। मतलब ये व्लॉग तो मैं बहुत लेट डाल रही हूँ, लेकिन उस दिन थी बर्मावस तो हमने ये पत्ते लिए पूजा के लिए। तो अब हम चल दिए हैं अपने घर के लिए, बड़ के मतलब बर्मावस के लिए पत्ते तोड़कर बरगद के पेड़ के। ओके, आगे 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 हम जैसे जैसे बढ़ेंगे तो मैं आगे का दिखाती हूँ। ये बीचों बीच ऐसे भी मतलब पौधे लगे हुए हैं, और ये मंदिर आ गया है जिस मंदिर की मैं बात कर रही थी जाते समय। तो अब हम इधर से निकल रहे हैं, ये मंदिर आ चुका है, ये शिव जी और हनुमान जी का मंदिर है। बहुत अच्छा लगता है, डेली हम जब भी यहाँ से निकलते थे, मतलब अब आज तो शायद पंडित जी नहीं है तो डेली प्रसाद देते हैं वो, और हम ऐसे निकल जाते थे दर्शन करते हुए। और एक बहुत बड़ा सा बरगद का पेड़ यहाँ भी था। अब देखो रोशनी हो गई है, तो आप देख सकते हैं कितनी सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर यूनिवर्सिटी है। थोड़ा थोड़ा आपको दिखना स्टार्ट हो गया होगा। अब हम यहाँ से बाहर निकल रहे हैं वीडियो बनाते हुए, क्योंकि जाते समय था अंधेरा, रोशनी नहीं थी तो उतना अच्छा नहीं दिख रहा था। अब मैं यहाँ वापसी की वीडियो बना रही हूँ, तो ये आपको सामने दिख रहा है मेन गेट यूनिवर्सिटी का, जहाँ से हमने एंट्री करी थी, तो वही है ये। लेकिन अभी हम ना यूनिवर्सिटी से नहीं निकल रहे हैं, क्योंकि मैं थोड़ा सा साइड का और दिखाना चाहती थी। इसके साइड में एक रास्ता और जाता है, बस हम थोड़ा ही गए थे उसके अंदर, पूरा नहीं गए थे, बहुत टाइम लग जाएगा क्योंकि बहुत लंबा रास्ता है, बहुत ही ज़्यादा। लेकिन हम तो यहाँ एक छोटे छोटे यहाँ बहुत सारे पार्क टाइप बने हुए थे, बाग टाइप, तो वहाँ गए हम लोग।
यहाँ मेरी दीदी ने थोड़ा रेस्ट करा, क्योंकि मैंने ही बोला था दीदी आप यहाँ बैठो और मैं थोड़ी सी वीडियो बना लेती हूँ, क्योंकि यहाँ पर एक ये और एक पार्क टाइप कह सकते हैं, इसमें लॉक था, किसी को जाने की एंट्री नहीं है, क्योंकि ये बहुत ही ज़्यादा सुंदर है, बहुत ही ज़्यादा सुंदर है। बीच में ये फाउंटेन है, ये मुझे नहीं पता है किसकी स्टैचू है। और यहाँ था एक ट्री, वहाँ मैंने रखा अपना फ़ोन और एक वीडियो बनाई मैंने अपनी। तो ये मेरी पागलपंती हमेशा कंटिन्यू रहती है। तो एक वीडियो मेरी छोटी सी बन गई यहाँ पर। तो आप देख सकते हैं जो मैंने तीन स्टैचू दिखाई थी, प्रतिमाएं दिखाई थी जब उस समय अंधेरा हो रहा था, तो मैं आते हुए दोबारा दिखा रही हूँ। तो मैंने सोचा चलो अब मैं देखती हूँ कि ये किस किस की है। तो वही इस पर मेंशन हुआ है शहीद भगत सिंह जी और सुखदेव जी और ये और राजगुरु, इन तीनों की यहाँ पर ये प्रतिमाएं हैं एंट्री करते के साथ ही। तो फ्रेंड आप लोग ज़रूर बताइएगा ये आपको CCS यूनिवर्सिटी कैसी लगी, ये मेरा छोटा सा ब्लॉग आपको कैसा लगा ज़रूर से ज़रूर बताइएगा कमेंट बॉक्स में। और फ्रेंड्स ये भी बताइएगा CCS यूनिवर्सिटी कौन कौन आया हुआ है और किस किस की इसी यूनिवर्सिटी से एजुकेशन है, मेरी तो इसी यूनिवर्सिटी से है। तो आप लोग ज़रूर मुझे कमेंट बॉक्स में बताइएगा, आपके कमेंट्स का मुझे इंतज़ार रहेगा कि आपको ये छोटा सा ब्लॉग कैसा लगा मेरा। अगर फ्रेंड आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करिएगा, शेयर करिएगा एंड मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। और ये मेन गेट से एंट्री करते ही साइड में एक छोटा सा पार्क और था, ये एक बहुत ही सुंदर प्रतिमा थी यहाँ पर जो बहुत ही सुंदर लगती है, ये है स्वामी विवेकानंद जी। सही है फ्रेंड, अब मैं व्लॉग करती हूँ ऑफ, वीडियो हो गई है कंप्लीट। बाय बाय, थैंक यू सो मच, टेक केयर।